पेंटिंग्स निकाली है वो सचमुच अनोखी है और एक फ्रेशनेस उसमें से झलकता है। नमामि गंगे की थीम उन्होंने ली है और ऐसे सचमुच देख लगता है कि हम वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी का जो चित्र है वो उन्होंने रूबरू अपने पेंटिंग्स में उतारा है। ये केवल एक डेढ़ चित्र नहीं है तो वहाँ का जीवन इसमें एक्सप्रेस होता है और ये उन्होंने भक्ति भाव से निकाला है ऐसा मुझे लगता है। पूरा उनका जो उनकी कला है उनका जो अनुभव है वो सारा का सारा डाल करके चित्र उन्होंने निकाले हैं। मुझे ऐसा लगता है यह चित्र अनेकों को प्रेरणादायी है और इससे अनेक विद्यार्थी कला के माध्यम में जो पढ़ते हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, अनेकों को गंगा का दर्शन होगा और प्रकाश बुरुड़े साहब को तो मुझे ऐसे लगता है साक्षात गंगा माँ का और आशीर्वाद है और वाराणसी में होने के कारण नमामि गंगे की थीम लेने के कारण उनको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यह जो एग्जीबिशन है बहुत सक्सेसफुल रहेगा, एक यशस्वी रहेगा ऐसा मुझे लगता है। मैं उन्हें उनके कार्य के लिए शुभेच्छा देता हूं और इसका जो एक अनोखा अंग है कि इसमें से जो आने वाला इनकम है वो दिव्यांग के काम में लगने वाला है। यह सोशल टच इसमें जो उन्होंने दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। फिर से एक बार उनके कार्य को शुभेच्छा और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पेंटिंग के बारे में, क्या आज जहांगीर आर्ट गैलरी में जो पेंटिंग का एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम रखा गया है प्रकाश बुरुड़ी का बहुत ही सराहनीय है। हर एक पेंटिंग कुछ अलग दर्शाती है और बहुत ही अच्छा पेंट किया हुआ है। मतलब हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है उनके लिए कि इतना अच्छा पेंटिंग है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन हो, जो देखना चाहते हैं उनके पास तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन हो। तो इसमें इनको बहुत ही अच्छा इसका ये भी काम होगा और आम पब्लिक तक जाना चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति के पास जाना चाहिए और जो भी देखेगा वो तो ऐसा लगता है कि खरीदना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इस एग्जीबिशन में कि पापा चरण में प्रार्थना करता हूँ कि ये एग्जीबिशन अच्छा सक्सेस हो, प्रकाश बोरुड़ी जी को और अच्छा पेंटिंग करने का बनाने का एक हमारा हम लोग सब एक मौका देंगे और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। Jahangir Art Gallery, maybe around 8 to 10 years back, when the exhibition was on, I did not know him also as an artist. We thought, let's just go and have a look. Incidentally, there was a Varanasi painting which I picked up on the last day of the exhibition because I could not make up my mind which of those pencil drawings or whatever the paint drawings that could be picked up because all were excellent. After that, I touched base with him again and I now know what an accomplished artist he has become. When I see all these Varanasi paintings, I don't need to go to Varanasi at all. It is these paintings which are indicating what how beautiful Varanasi is. Now, in fact, we have developed some kind of a friendship. Now he is also painting certain things for myself, for my house. He has already made a couple of paintings and we have many more on offer, which has already been discussed with him. I am sure his exhibition will be a success as he has been a very successful artist over the years. Anybody who comes here, I'm confident, is going to like his painting and pick them up. With his suggestion, even I may end up picking up a few more. So he tells me that I will be painting certain things exclusively for you, which is already done for me. I am not speaking all this because he's a friend of mine. Because to start off, he was an unknown.
But over the years, I have come to know how accomplished he is as an artist. And I'm quite sure that he will rise to even further heights. This is just the beginning. And we are all sure that from here on, it's only one way of progress, progress and progress. Thank you. My best wishes for him and his entire family. आज जो प्रकाश सर ने जो पेंटिंग का एग्जीबिशन किया है, उनका जो संकल्प था, आज उन्होंने जो, मैंने बहुत आर्टिस्ट देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेंटर हैं, लेकिन इनके अंदर जो दिव्यांग लोगों के लिए जो संवेदना थी, तो उन्होंने जो मुझे बोल दिया कि मैं जो पेंटिंग में का जो भी थोड़ा अमाउंट है मैं दिव्यांग लोगों के लिए खर्चा करेगा, और प्लस आज उनके जो पेंटिंग्स है, आप अगर देखेंगे उस पेंसिल से जो पेंटिंग करते हैं, पूरे इंडिया में शायद ही ऐसा टैलेंटेड प्रकाश है जो 20 साल से एक काम कर रहे हैं। तो हमें एक ही इच्छा है कि प्रकाश सर का जो पेंटिंग्स है पूरे देश भर और विदेश में जाए, और जल्द से जल्द प्रकाश सर का जो 20 साल का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, और गंगा डिस्ट्रिक्ट वाराणसी जो पेंटिंग्स है, हर घर जाए और प्रकाश जी को आगे भी इसकी सफलता मिले, और ऐसे कई एग्जीबिशन है वो लेके कई लोगों को रोजगार इसमें उपलब्ध करे। और उन्होंने जो दिव्यांग लोगों के लिए आज संकल्प किया है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे, उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है यथाशक्ति वो दिव्यांग लोगों को ये पेंटिंग का कला उनको सिखाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने संकल्प किया है। ये जो बहुत ही कम आर्टिस्ट, जो खुद प्रकाश जी बहुत गरीब घर से आए हैं, बहुत ही हालात, बहुत गरीब घर से आके भी यहाँ तक पहुँच गए, आज पुनः आज इंडिया में मुझे लगता है फर्स्ट रैंक के वो पेंटिंग के आर्टिस्ट है, फिर भी उनका जहाँ तक नाम होना चाहिए, जहाँ तक घर घर जाए वो कम हुआ है। तो मुझे एक ही इच्छा है कि सब लोग प्रकाश जी को सपोर्ट करके ये पेंटिंग्स ज्यादा से ज्यादा देश विदेश में जाए, ऐसा मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। माझ्या घरामध्ये पण जी पेंटिंग्स त्यांनी लावलेली, तर घरात जे काही कुणी पाहुणे मंडळी येतात तर पेंटिंगची खूप प्रशंसा करून जातात ती लोक, आणि विचारतात की एवढे सुंदर पेंटिंग्स कुणी बनवलेले आहेत, त्यामुळे माझ्या घराची पण शोभा यांच्या पेंटिंग मुळे वाढलेली आहे घरामध्ये। एवढंच मी सांगतो। थँक्यू सर। आपल्याकडे आली पेंटिंग बनाने की इच्छा है। गुड मॉर्निंग, गुरु विनिंग तट्टा वाराणसी। मैं 6-8 महीने से मैं काम कर रहा हूँ इस शो के लिए, पूरा प्लानिंग करके हर एक पेंटिंग में कलर्स अलग अलग है, वाइब्रेंट कलर्स है, लाइट कलर्स है, पर्सपेक्टिव है, ड्राइंग्स है, जो भी, और मेरा रोटीन पेंट का काम है वो एक अलग तरीके से एक कुछ अलग कुछ करना था इस शो में भी। बहुत ही डिफिकल्ट है का इतना सब पेंटिंग एक ही सीरीज में करना, 30-35 के ऊपर इस शो में मेरे पेंटिंग लगी हुई है। पेंटिंग सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो पेंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, मगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 35 के ऊपर पेंटिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और ये करके दिखाया है, और ये शो आज ओपन हुआ है, और ये सब आज ओपनिंग होने के लिए सब साइंटिस्ट वगैरह सब मेरे सब दोस्त लोग आए, सब अच्छा लोग है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इस शो के लिए शो से जो माध्यम से कुछ मेरे को जो एग्जीबिशन कुछ जो कुछ प्रॉफिट होगा उससे कुछ भाई कुछ छोटा फैमिली जाए कुछ करना है, अब कुछ आगे जाके इस शो से जो कुछ मेरे को प्रॉफिट मिलेगा उससे दिव्यांग लोगों के लिए हेल्प करना है, उनको प्रमोट करना है, और उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ आगे जाके। थैंक यू सर।